हाय दोस्तों, मैं इस समय देहरादून के प्रेमनगर अम्बिवाला टी स्टेट इलाके में हूँ। बहुत ही सुहावना मौसम है। जैसा कि हम सबको पता है, देहरादून एक बहुत ही अच्छा इलाका माना जाता है। देहरादून का मतलब है, देहरा का मतलब चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई ये एक प्लेन और पहाड़ी नुमा जगह है जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ वो बहुत ही सुहावना है। मई का ये दिन है, आज 24 तारीख हो गए हैं, लेकिन मौसम अभी इतना ठंडा है कि मुझे ये सर्दियों के गर्म ड्रेसेस निकालने पड़ रहे हैं। और देखो, वॉकिंग कर रहा हूँ, हवाएं तेज चल रही हैं और इसमें भी थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सीनरीज, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए इस साइड बादल किस तरीके से लगा हुआ है और टेम्परेचर मुझे तो लगता है अभी 15 के आसपास होगा। घूमते घूमते मैं सीनरीज आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। यही कारण है कि लोग देहरादून में बसना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 35-40 होता है, उसके कुछ ही दिन में, विद इन ए वीक, कहीं से भी लोकल बादलों से बारिश जरूर हो जाती है और मौसम फिर वीक तक सुहावना हो जाता है। अभी देखिए ये मसूरी की पहाड़ियाँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। वहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार बारिश चल रही है और यहाँ भी तेज़ हवाएं और बारिश का मौसम है, ड्रिजलिंग हो रही है कहीं कहीं पे, इसीलिए मैं भी थोड़ा घर की तरफ जाना चाहूँगा। ये देखिए मसूरी के पहाड़ियों में, आसपास के इलाकों में अभी भी घनघोर बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ का ये दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली। ये टी गार्डन है और इसी से सटा हुआ यहाँ पे जंगल भी है। काफ़ी अच्छा इलाका है, जीरो पॉल्यूशन एरिया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस जगह में हम लोगों का निवास स्थान है और काफ़ी लोग इधर बसना चाहते हैं क्योंकि ये अभी भी काफ़ी ओपन एरिया है। हाँ दोस्तों, जब भी देहरादून उत्तराखंड घूमने का आपका प्लान हो तो ये चारों धाम को मत भूलिए। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये और देवताओं का वास है यहाँ पे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार और ऋषिकेश। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का हेडक्वार्टर है, ONGC का हेडक्वार्टर है और भी कई चीज़ें हैं। डाक पत्थर है, सहस्त्रधारा है जो कि देखने लायक है और देहरादून से सटा हुआ मसूरी, जिसे रातों की रानी बोला जाता है, बहुत ही सुंदर है। आइए हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सेफ इलाका है। यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही ऑनेस्ट हैं और देश के प्रति वफादार हैं। आप अपने साथ फैमिली को लाइए और अपने रिश्तेदारों को, परिवार को और दोस्तों के साथ आइए। आनंद दित हो जाओगे जब एक बार आप यहाँ आओगे तो बार बार आना चाहोगे। ओके दोस्तों, इन वादियों में आप सबका स्वागत है। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग
हमारे देहरादून में आओगे, हमारे उत्तराखंड में आओगे और हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दोगे और आपको मज़ा भी आएगा कि यस आपने पैसे बिल्कुल सही जगह पे खर्च किया है। बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही आनंद आएगा। ओके दोस्तों, सी यू अगले बार। इस बार थोड़ा सा इस समय मौसम ख़राब है तो यात्रा थोड़ा स्थगित करिए। इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट के आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और जैसा ही मौसम थोड़ा सा अच्छा हो ज़रूर आइए। इस समय पहाड़ों में बर्फबारी चल रही है तो थोड़ा सा मौसम ख़राब है, दो चार दिन की बात है, उसके बाद हम सब फिर मिलेंगे केदारनाथ में, बद्रीनाथ और हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री में। ओके, टिल दैट बाय बाय।